नमस्कार, आज हम बात करेंगे चंद्र और मंगल के कॉम्बिनेशन के बारे में। चंद्र और मंगल आपस में जो परम मित्र हैं, ये कॉम्बिनेशन निश्चित तौर पर कुंडली के अंदर बड़ा शुभ माना जाता है और इसे हम महालक्ष्मी धन योग के नाम से जानते हैं। मगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में होने के बावजूद हमें जीवन भर धन की प्राप्ति नहीं होती, उसके पीछे के कारण क्या है, आज उनकी बात करेंगे। यानी चंद्र मंगल की युति के कुंडली के 12 ही ग्रहों में शुभ और अशुभ हालात के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपली क्या देखते हैं अपनी कुंडली के अंदर कि चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मगर किस हाउस में बना हुआ है, उस पे किस प्लैनेट की दृष्टि वगैरह आ रही है। तो ये सारी चीजें ग्रामर के रूल अप्लाई करने के बाद हमें एग्जैक्टली पोजिशन क्लियर होगी। इतना इजी नहीं है प्लैनेट की पोजीशन को चेक करना। कुंडली बेशक 9 प्लैनेट है, मगर उन 9 प्लैनेट को आइडेंटिफाई करना कि कौन से हमारे शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आइडेंटिफाई करने के बाद फाइनल क्वेश्चन क्या है, क्या इन अशुभ योगों को ठीक किया सकता है या इनके शुभ फल प्राप्त किया सकते हैं या अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। निश्चित तौर पर जो प्रिकॉशन और रेमेडी यहाँ बताई गई है उनको अगर आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको 101% चीजों में ठीक होती दिखाई देंगी। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, अगर खाना नंबर 1, 2, 3, 5, 7, 9 यानी फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, इनमें ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है चंद्र और मंगल का, क्योंकि चंद्रमा क्या है, दूध है, और मंगल क्या है, शहद है। तो ये कॉम्बिनेशन दूध में जब शहद मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर बहुत शुभ फल देगा। जो हाउस यहाँ बताए गए हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, इन हाउसेस के अंदर बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला बन जाएगा। मगर अभी हम बात जब करेंगे अशुभ हालात की, तो वहां पर ये किन कंडीशन में इन हाउसेस के अंदर भी अशुभ फल देगा उसकी बात करेंगे। यहाँ पर अगर ये कॉम्बिनेशन इन हाउसेस में है तब ऐसे में व्यक्ति 52 साल की उम्र तक धन की प्राप्ति करते हैं, यानी कि 52 साल की उम्र तक उसे इस लक्ष्मी योग का भरपूर लाभ मिलता है। मगर जब ये शुभ हालात में होगा तब, अगर इन्हीं हाउसेस में होके अशुभ हालात में हुआ तब ऐसे में ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। अगर जहां पर मंगल, अच्छा अब कुंडली के जब मंगल का टॉपिक कराया था तो आपको बताया था कि मंगल कुंडली के 12 ग्रहों में जनरली किन हाउसेज में अच्छा माना गया है, तो यहाँ पर केवल 4th हाउस और 8th हाउस को छोड़कर बाकी सभी घरों में मंगल शुभ माना गया है। अगर 4th और 8th हाउस को छोड़कर बाकी घरों में जहाँ मंगल अच्छा है वहां पे ये कॉम्बिनेशन है तो 38 साल के बाद जीवन में व्यक्ति को धन की प्राप्ति अवश्य होती है। मगर यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि व्यक्ति अपने दोस्त, क्योंकि दोस्त क्या है, मंगल मंगल दोस्तों की मदद करता रहे, दोस्तों की जितनी मदद करेगा उतना ज्यादा यहाँ पर धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। यानी दोस्तों की मदद करने से अपने मंगल को शुभ कर लेना है। तो मंगल को शुभ करने के लिए और भी रेमेडीज बताई गई हैं मंगल के टॉपिक में, तो आपने अपने मंगल को, आपका ये कॉम्बिनेशन कुंडली किसी भी हाउस में, उस हाउस में मंगल के लिए जनरल रेमेडी और स्पेसिफिक रेमेडी जो भी बताई गई है उनको फॉलो करके अपने मंगल को शुभ रखना है, तभी जाके ये कॉम्बिनेशन आपको धन की प्राप्ति कराएगा। हाउस नंबर 3, 4, 8, अब थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस, इन तीन घरों में तीसरा घर किसका है, मंगल का, फोर्थ हाउस चंद्रमा का और एट्थ हाउस मंगल का। अब फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस के अंदर जब मंगल होता है तो यहाँ पर मंगल पद की प्रबल कंडीशन बनती है। आप देखते ही बोल सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता होगा, तो यहाँ ये काफी ज्यादा खराब कंडीशन में आ जाता है। मंगल अकेला जब फोर्थ हाउस में होता है तो मंगल फोर्थ हाउस की वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ ये मंगल बेशक चंद्रमा का मित्र है मगर सुखों में कमी ला देता है, यानी कि चंद्रमा के पानी को जला देता है, कि मंगल क्या है, आग है, गर्म है, तो उसकी आग पानी को सुखा देगी। तो यहाँ बैठा मंगल अपने मित्र को भी नहीं बख्शेगा और पानी सूख जाएगा। यानी कि फोर्थ हाउस किसका है, चंद्रमा का, और सुख का, सुख भाव, यानी कि सुखों में कमी आ जाएगी, जीवन में सुख नाम की चीज देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर ये कॉम्बिनेशन चंद्रमा के साथ मंगल थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस में है तब ऐसे में
मंगल बध के टॉपिक में आपको बताया था कि मंगल बध बनता है, उसकी और भी कंडीशन बताई थी, मगर फोर्थ और एट्थ हाउस में स्पेशली बताया था कि मंगल बध बनता है, मगर चंद्रमा मून को साथ होने में, यहाँ साथ होने से यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, यानी कुंडली में अब मंगल बध नहीं होगा अगर मंगल थर्ड फोर्थ और एट्थ हाउस में चंद्रमा के साथ है। दोनों को बृहस्पति देखें या बृहस्पति को दोनों देखें, अब कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन कहीं भी बना हुआ है, दोनों को बृहस्पति देखें, क्योंकि बृहस्पति क्या है, इनके मित्र हैं, या ये दोनों बृहस्पति को देखें, कोई भी कंडीशन अप्लाई हो रही हो। अभी दृष्टि की बात भी करेंगे कि देखना किस तरह से है, क्योंकि रेड बुक का जो दृष्टि कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। दृष्टि के ऊपर, दृष्टि कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने स्टार्टिंग की, जब ग्रामर के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे तो वहां पर दृष्टि के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, जहां पर लाल किताब के अनुसार दृष्टि कहाँ जाती है उन सब की जानकारी दी थी, तो वहां जाके भी समझना है। और अभी यहाँ पर भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि दृष्टि को कैसे कंसिडर करना है। अब दोनों को बृहस्पति देखें या बृहस्पति को दोनों देखें, सबसे श्रेष्ठ महालक्ष्मी योग, यानी कई बार हम देखते हैं कि ये योग हमारी कुंडली में भी है और हमारे किसी जानने वाली कुंडली में है, मगर वो तो अरबपति है या करोड़पति है, मगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसके पीछे दृष्टि भी चेक करनी होती कि कुंडली में दोनों के में योग था, मगर आपके चंद्र मंगल पर किस प्लैनेट की दृष्टि थी और उसके चंद्र मंगल की युति पर किस प्लैनेट की दृष्टि थी। अगर बृहस्पति के साथ संबंध बन जाए दृष्टि से, ये देख लें या बृहस्पति देख लें इन्हें, तब ऐसी कंडीशन में सबसे श्रेष्ठ महाधन लक्ष्मी योग, यानी कि बहुत ज्यादा धन जातक के पास होगा और व्यक्ति अपने दोस्तों की मदद करने वाला होगा। सूरज देखें या सूरज को देखें, अब इसी तरह ये कहीं भी हो, इन्हें सूर्य देखें या ये सूर्य को देखें, अब देखने के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जातक सरकारी हुकूमत करने वाला होगा, सूरज का उत्तम असर होगा, यानी कि यहाँ पर सूरज बहुत ज्यादा सुफल देने वाला होगा, सरकारी नौकरी में जातक अधिकारी होगा, क्योंकि हुकूमत कब करेगा, जब वे ऑफिसर क्लास का होगा, तो वो जातक सरकारी नौकरी होगी और अधिकारी होगा या सरकार में किसी न किसी पद पे आसीन होगा, हुकूमत करने वाला होगा, सूर्य ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा होगा। शुक्र देखें या शुक्र को दोनों देखें, अब शुक्र देखें या शुक्र को दोनों देखें, तब ऐसी कंडीशन में क्या है, औलाद की समस्या, धन की समस्या, क्योंकि शुक्र जब अपने दुश्मन ग्रह को देखता है तब यहाँ पर उसके फलों में कमी ला देता है, तो यहाँ पर शुक्र का फल भी खराब होगा और साथ ही चंद्रमा का फल भी खराब होगा, तो यहाँ पर धन की समस्या और साथ ही औलाद की समस्या देखने को जीवन में मिलेगी। बुध देखें या बुध को देखें, अब बुध के साथ अगर इनका कॉम्बिनेशन बनता है तब सुपर इंटेलिजेंट यानी कि जीनियस होगा, बहुत ज्यादा अकलमंद होगा, बिजनेसमैन होगा, व्यापार करने में इसका दिमाग बहुत शार्प होगा, मगर धन की शक नहीं, यानी कि धन के बारे में आपको और प्लैनेट की कंडीशन को भी चेक करना होगा, बृहस्पति को चेक करना होगा, साथ ही आपने मंगल वगैरह को चेक करना होगा, तो यहाँ पर तब जाके आप धन के बारे में एग्जैक्टली एनालाइज कर सकते हैं, मगर व्यक्ति बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड होगा, बिजनेस करने के अंदर एक्सपर्ट होगा, दुनिया की लोग मदद करेंगे, यानी कि समाज के लोगों से, दुनिया के लोगों से ऐसे व्यक्ति को मदद प्राप्त होती रहेगी। शनि देखें या शनि को देखें, अब अगर शनि के साथ कांटेक्ट होता है तब खतरों का खिलाड़ी जिद्दी, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला होगा, खतरों का खिलाड़ी होगा और जिद्दी स्वभाव का होगा। केतु देखें या केतु को देखें, अब केतु के साथ अगर इनका संबंध बनता है तब ऐसे में लड़के या भतीजे सरकारी नौकरी में होंगे, ये निशानी है, अगर केतु को ये देख रहे हो या केतु ने देख रहा हो तो लड़का, व्यक्ति का लड़का या भतीजा सरकारी नौकरी में निश्चित तौर पर होगा, ये यहाँ पर केतु के साथ इनके संबंध बनने की निशानी बताई गई है, मगर बेटा या भतीजा कोई भी सरकारी नौकरी में हो उसके पैसे का सुख जातक को प्राप्त नहीं होगा। अब दृष्टि को समझते हैं, देखिए अभी हमने बात करी कि बृहस्पति, सूर्य, शनि, केतु, शुक्र इत्यादि से इसका अगर संबंध हो दृष्टि से, अब दृष्टि से संबंध कैसे होगा इसको समझते हैं। देखिए कुंडली के अंदर कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठा हुआ हो, वहां से 7, 8, 9, 10, 11 घर में बैठे ग्रह पर
प्लैनेट पर अपनी दृष्टि डालेगा। जैसे सपोज कीजिए ये आपका चंद्र और मंगल की युति नाइन्थ हाउस में है। अब नाइन्थ हाउस से सेवेंथ हाउस कौन सा हो गया? थर्ड हाउस। एट्थ हाउस कौन सा हो गया? यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सेवेंथ हाउस कौन सा हुआ? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में अगर बृहस्पति बैठा है तो यहां पर बृहस्पति की दृष्टि कहां जा रही है? आपका चंद्रमंगल पर, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा प्लैनेट इलेवेंथ हाउस पे और नाइन्थ हाउस पे दोनों पर दृष्टि डालता है। ये दृष्टि का जो ग्रामर के अंदर हमने टॉपिक डिस्कस किया था एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट, वहां पे आपको जानकारी दी थी। तो यहां पर चंद्र मंगल की दृष्टि कहां जाएगी उस चीज को समझिए। तो यहां से सेवेंथ हाउस यहां पे, उसके बाद एट्थ हाउस पर, उसके बाद नाइन्थ हाउस, उसके बाद टेंथ हाउस और इलेवेंथ हाउस। यानी कि बृहस्पति, अगर बृहस्पति फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस में है, तब ऐसे में नाइन्थ हाउस में चंद्र मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो बृहस्पति पे दृष्टि डाल रहा है। इसी तरह किसी भी हाउस में होगा तो वहां से आपने इन हाउसेस को काउंट करना है, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहां पर इन हाउसेस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा, तो अभी हमने जो बात करी कि बृहस्पति से कॉन्टैक्ट हो या शनि से हो, केतु से हो, तो जिससे भी कॉन्टैक्ट हो, तो आपको ये चेक करना है कि ये कॉम्बिनेशन कहाँ पे है और उससे इन हाउसेस में कौन सा प्लैनेट है, उसके अकॉर्डिंग आपने इनके रिजल्ट को एनालाइज करना है। साथ ही यहां पर जैसे कि आपको हर वीडियो बताया कि कोई भी प्लैनेट या कोई भी कॉम्बिनेशन कुंडली किसी भी हाउस में हो, उस घर के मालिक और कारक को भी कंसिडर करना है, तभी वहां पर शुफल देखने को मिलेंगे। क्योंकि कई बार प्लैनेट का प्लेसमेंट खुद का अच्छा है, मगर उस घर के जो मालिक है, उस हाउस का जो लॉर्ड है, उसका प्लेसमेंट कुंडली में अच्छा नहीं है, वो किसी कारण से खराब हो रहा है। सपोज कीजिए ये बृहस्पति के घर में यहाँ बैठे चंद्र मंगल, मगर इस घर का मालिक और कारक कौन है? बृहस्पति। क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 9 नंबर की राशि आती है धनुराशि, इसके मालिक कौन है? बृहस्पति। अब कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब पोजिशन में है, सिक्स हाउस में है, किसी भी हाउस में, मगर बृहस्पति कब खराब होते हैं? जब कुंडली में 2, 5, 9, 12 इन हाउसेस के अंदर बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठे हुए हों, तो ये बृहस्पति के फल को खराब कर देते हैं। शत्रु ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, राहु। तो यहाँ पर बृहस्पति को चेक करना होगा। बृहस्पति अगर कुंडली में खराब है तो यहाँ पर जो महालक्ष्मी योग बताया जा रहा है उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो करना क्या होगा? सबसे पहले जिस हाउस में ये बैठे हुए हैं उस हाउस के मालिक और कारक को चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग जो रेमेडी बताई गई है, क्योंकि कुंडली के किसी न किसी हाउस में बैठे होंगे। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग से हर प्लैनेट के कुंडली के 12 ही घरों में शुभ और अशुभ हालात के बारे में विस्तार से चर्चा करी है, जिससे आप एट ए ग्लास इजीली एनालाइज कर सके कि यहाँ पर आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट अच्छे कंडीशन में और कौन सा खराब कंडीशन में है। अगर खराब कंडीशन में है भी तो वहां पर उसके लिए प्रिकॉशन और रेमेडी बताई है, जिसको फॉलो करके आप अपने उस प्लैनेट को ठीक कर सकते हैं। ये प्रिकॉशन रेमेडी करने से उस प्लैनेट का फल तो ठीक हो गया होगा, यानी कि बृहस्पति की आप बृहस्पति कुंडली में कहीं भी है, सपोज कीजिए एट्थ हाउस में है, तो एट्थ हाउस के लिए प्रिकॉशन क्या बताई है, रेमेडी क्या बताई है, उसको फॉलो करके बृहस्पति तो शुभ हो गई होगा, क्योंकि बृहस्पति क्या है, हमारी किस्मत। साथ ही चंद्र मंगल कॉम्बिनेशन अगर नाइन्थ हाउस में है तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। इसके साथ ही अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस से लेकर ट्वेल्थ हाउस तक के इनकी कंडीशन में। फर्स्ट हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है, अब फर्स्ट हाउस का मतलब है कि पहला घर, लगन भाव, इस घर के मालिक कौन है? मंगल, और कारक सूर्यदेव। तो यहाँ पर दोनों ही क्या है, इनके मित्र हैं। तो अपने मित्र के घर में सूर्य और चंद्र और मंगल का ये कॉम्बिनेशन जब होगा तो मंगल तो अपने घर में आ जाएंगे, शुफल देंगे, चंद्रमा फर्स्ट हाउस में शुफल देते हैं। अगर जातक को सरकार से लाभ होगा, जातक को सरकार से लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य अपने मित्र ग्रहों की मदद करेंगे, क्योंकि इस घर के कारक हैं। तो जातक सरकारी नौकरी कर सकता है, सरकार से जुड़कर किसी प्रकार का काम कर सकता है, वहां से उसे लाभ की प्राप्ति होगी। मगर करना क्या है, बशर्ते जातक प्रोफेशनल डिग्री जरूर ले। यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के शुभ होने की निशानी क्या होगी कि जातक प्रोफेशनल डिग्री
जरूर ले, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद प्रोफेशनल डिग्री ले और उस प्रोफेशनल डिग्री के अकॉर्डिंग काम करें। अब ये बात हमने बृहस्पति फर्स्ट हाउस के टाइम में डिस्कस करी थी, मगर यहां पर ये बात क्यों डिस्कस करी है, क्योंकि चंद्र और मंगल जब यहां पे होंगे तो चंद्रमा के मस्नूही प्लैनेट कौन हैं, सूर्य और बृहस्पति। तो यहां पे हमने सूर्य को कंसीडर करना है, सूर्य उच्च के हो जाएंगे, और बृहस्पति को भी यहां पे कंसीडर करना है। तो बृहस्पति और सूर्य इनके अकॉर्डिंग जब आप काम करेंगे तो बृहस्पति यहां पर फर्स्ट हाउस में कब शुभ फल देंगे, जब आदमी पढ़ा लिखा हो, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हो और उसके अकॉर्डिंग ही काम करे। पता लगा कि आपने प्रोफेशनल डिग्री तो ले ली मगर काम कुछ और कर रहे हैं तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी जब तक उस प्रोफेशनल डिग्री के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। तो इसलिए यहां पर चंद्रमा होने से आपने बृहस्पति और सूर्य को भी कंसिडर करना है। ये मस्नूही प्लैनेट का टॉपिक है। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो मस्नूही प्लैनेट के नाम से स्टार्टिंग की जो ग्रामर का टॉपिक है वहां पे वीडियो बना रखी है, वहां पे जाके इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ग्रामर का टॉपिक है। सेकंड हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन होगा चंद्र और मंगल का, तब जातक को, सेकंड हाउस किसका है, ससुराल का, तो जातक को ससुराल से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, ससुराल से लाभ होगा। मगर यहां पर आपने एक चीज का और ध्यान रखना है, कितना लाभ होगा उस लाभ को देखने के लिए या ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए, साथ ही इस घर के मालिक और कारक को भी शुभ कर लेना है। यानी कि सेकंड हाउस किसका है, शुक्र का, और साथ ही बृहस्पति इस घर के कारक हैं। तो बृहस्पति और शुक्र को अगर आप ठीक रखते हैं कुंडली में, कुंडली के किसी भी घर में बैठे हुए होंगे उनके, उस हाउस की वीडियो में जाके जो प्रिकॉशन रेमेडी करके उनको ठीक कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा शुभ फल देगा। क्योंकि सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे, यहाँ पर इन चीजों को आप अगर ध्यान रखेंगे तो अपने जो भी आपके योग बने हुए हैं कुंडली में, उन योग का आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। कई बार जानकारी के अभाव में उन योगों का हम लाभ ले ही नहीं पाते और जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, मगर आप थोड़ी सी प्रिकॉशन रेमेडी करके उन योगों के अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड हाउस, अब थर्ड हाउस किसका है, बुध का, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3 नंबर की राशि आती है। कालपुरुष कुंडली क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे आधारित कुंडली क्या है, इन सब के बारे में स्टार्टिंग में जानकारी दे दी थी। स्टार्टिंग की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, स्टार्टिंग के थर्ड और फोर्थ वीडियो में आई थिंक ये हमने चीजें शेयर की थी, तो वहां पे आपको इजीली मिल जाएगी ये कालपुरुष कुंडली क्या है। क्योंकि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें या लाल किताब के अकॉर्डिंग, लाल किताब में कालपुरुष कुंडली को कंसीडर किया जाता है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर राशियां चेंज होती है, यानी कालपुरुष कुंडली के अंदर राशियां फिक्स रहती हैं। फर्स्ट हाउस है तो उसमें 1 नंबर की ही राशि आएगी, 1 नंबर की राशि के लॉर्ड कौन है, मंगल। मगर जो कुंडली हमारे पास घर में होती है वहां पर राशि कोई भी हो सकती है, तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आपने प्लैनेट के प्लेसमेंट को चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग समझना है। अब ये थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस के अंदर जब ये युति होगी तो इस घर के मालिक बुध हैं और कारक मंगल। मंगल अपने घर में खुद बैठे होंगे, साथ ही चंद्रमा मित्र का, चंद्रमा का सपोर्ट होगा, चंद्रमा साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर ये युति शुभ फल देगी। क्या लिखा है, जातक अकलमंद, इंटेलिजेंट, साहिब तदबीर, इज्जत तरक्की और मराती, मराती मीन्स प्रतिष्ठा का मालिक, यानी कि आदमी के पास, व्यक्ति के पास धन दौलत इज्जत सब कुछ देखने को मिलेगा। दौलतमंद मगर दुष्ट भगवान, जिसे किसी की परवाह नहीं, यानी कि व्यक्ति के समाज में इज्जत भी होगी, धन दौलत भी होगी, सब कुछ होगा, मगर ऐसा व्यक्ति किसी की परवाह करने वाला नहीं होगा। जातक के भाई भी अमीर होंगे, क्योंकि थर्ड हाउस किसका है, भाई का, और मंगल इस घर में बैठ जाएंगे, तो ये हाउस अब शुभ कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस घर के से किन चीजों को देखते हैं, भाइयों की कंडीशन को देखते हैं, भाइयों के संबंध को देखते हैं, तो भाइयों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे और जातक के भाई भी अमीर होंगे और जातक को भाइयों से मदद प्राप्त होगी। थर्ड हाउस खराब है कुंडली में, मंगल खराब है, तो जातक के भाइयों से बनती नहीं होगी और भाइयों की कंडीशन भी खराब होगी। फोर्थ हाउस किसका है, चंद्रमा का अपना खुद का घर, यानी कि इस घर के कारक और मालिक दोनों चंद्रमा है और ये हमारा सुख भाव है, यानी कि जीवन में हमें सुखों की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर
क्या लिखा है अगर ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे आके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से पैसा कमाएगा, मेहनत करके अमीर बनेगा, मेहनत करके अमीर बनेगा। परंतु 4 दस में बुध और शनिचर न हो। अब यहाँ पे कंडीशन के चेक करनी है कि चंद्र मंगल का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, तो बुध या शनिचर 4th हाउस में इनके साथ या 10th हाउस में नहीं होने चाहिए। 5th हाउस, अब पांचवा घर के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो पांचवा घर किसका है? सन का, सूर्य का। अब मित्र ग्रह सूर्य के घर में ये कॉम्बिनेशन निश्चित तौर पर शुभ फल देगा, और इस घर से हम क्या देखते हैं? औलाद का सुख। तो यहां पर जातक के व्यक्ति के औलाद अमीर होगी, लड़का लायक होगा, पैसा कमाएगा। 6th हाउस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन बनेगा तब, अब 6th हाउस के अंदर चंद्रमा थोड़ा वीक पड़ जाते हैं, मतलब मंगल स्ट्रोंग रहते हैं, तब ऐसे में यहाँ क्या लिखा है? बेटा अमीर होगा मगर माँ को तकलीफ होगी। बेटा अमीर होगा मगर माँ को तकलीफ होगी। अब 7th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब शादी अमीर खानदान से होगी, यानी कि अगर ये कॉम्बिनेशन 7th हाउस में है तो व्यक्ति की शादी अमीर खानदान में होगी। मगर यहाँ पर फिर वही बात कि आपको जिस भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन है उस घर के मालिक कारक को भी ध्यान रखना होगा, यानी कि 7th हाउस के मालिक कौन है? शुक्र है, और कारक कौन है? बुध। तो बुध और शुक्र को ध्यान रखना होगा, उसी हिसाब से इनके फलों को आप डिसाइड कर पाएंगे कि एग्जैक्टली ये कॉम्बिनेशन यहाँ शुभ है। मगर कितना शुभ है ये डिपेंड करेगा बुध और शुक्र पे भी। अगर दोनों ही अच्छी कंडीशन में हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे खानदान में शादी होगी। अगर अब स्तर कितना होगा उसको डिसाइड करने के लिए कि खानदान अरबपति होगा, करोड़पति होगा, लखपति होगा या सामान्य होगा, यहाँ पर बुध और शुक्र को भी कंसिडर करना होगा। मगर फर्स्ट हाउस, अब फर्स्ट हाउस के अंदर अगर इनके मित्र ग्रह हैं तो मित्र ग्रह सूर्य अगर यहाँ बैठे हैं या बृहस्पति है तो उनकी दृष्टि कहाँ आएगी? 7th हाउस पे। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा शुभ फल देगा। मगर अगर शनि फर्स्ट हाउस में है तब ऐसे में काफी ज्यादा अशुभ स्थिति आ जाएगी। तब यहाँ पर लालची, पैसे का पुत्र, ऐसे व्यक्ति लालची होगा, पैसे को हर वक्त सोचने वाला होगा, पैसे के मामले बहुत ज्यादा कंजूस टाइप का होगा, और ऐसे व्यक्ति की मौत सदमे से या हादसे से देखने को मिल सकती है, और ऐसे व्यक्ति को बुजुर्गों के पैसे का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। यहां पर सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में है तो यहाँ पर काफी ज्यादा अशुभ स्थिति बन जाएगी, क्योंकि शनि और चंद्र और मंगल दोनों क्या हैं? शनि के शत्रु। यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के फलों को खराब कर देगा, फिर जातक की शादी भी अमीर खानदान में देखने को नहीं मिलेगी। 8th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो जातक का पैसा बीमारी पर खर्च ज्यादा होगा। मगर अब 8th हाउस में है तो करना क्या है? करना क्या है? मंगल 8th हाउस के लिए जो रेमेडी बताई गई है, मगर साथ में हमें ये भी चेक करना है कि ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 12 ही घरों में कहीं भी है। तो कुंडली के अंदर मंगल बद तो अप्लाई नहीं हो रहा है। अब मंगल बद के लिए आपको बहुत सारे रूल बताए थे मंगल बद के वीडियो में, इसलिए बार बार कहता हूं कि आप सबसे पहले मंगल बद का वीडियो पूरा ध्यान से सुने, उसके नोट्स बनाएं और उसके रेमेडीज को नोट करें। और मंगल बद अगर गलती से कुंडली में बन रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो उसके लक्षण भी बताए गए हैं और लक्षण भी मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो रेमेडी बताई गई है उन रेमेडीज को फॉलो करके सबसे पहले मंगल को ठीक करें, क्योंकि मंगल बद की कंडीशन से सारे ही प्लेनेट का फल खराब हो जाता है। तो यहाँ पर मंगल बद अगर अप्लाई हो रहा होगा तो ये कॉम्बिनेशन कुंडली के किसी भी घर में हो शुभ फल नहीं देगा, अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। अशुभ फल देगा तो मंगल खराब तो हो ही होगा, साथ ही चंद्रमा के फल को भी खराब कर देगा। तो चंद्रमा क्या है? आपका मन का कारक। तो मन में परेशानी, चिंता, पैसे की दिक्कत ये सब देखने को मिलेगी। यहाँ पर 8th हाउस में जब होगा यहाँ पर मंगल की रेमेडी प्रॉपर कर लेनी है, साथ ही चंद्रमा को भी शुभ रखना है। तो चंद्रमा और मंगल दोनों की 8th हाउस की जो हमने रेमेडीज डिस्कस की है उनको आपने कर लेना है।
नाइन्थ हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा, अब नाइन्थ हाउस के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन हो और ऐसे में थर्ड हाउस से फिफ्थ हाउस से, या जो दृष्टि का कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया कि किन हाउसेस दृष्टि कहाँ जाती है, उस हाउस के कॉन्सेप्ट से शनि राहु केतु इनकी अगर दृष्टि इन पे आ रही है, ये उन पे डाल रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर ही अशुभ फल देगा। साथ ही नाइन्थ हाउस के अंदर बृहस्पति की भी कंडीशन को कुंडली में चेक करना होगा। बृहस्पति अगर अशुभ कंडीशन में है तब ऐसे में क्या लिखा है, औलाद तो अमीर होगी, औलाद तो अमीर होगी मगर मौत सदमे से या हार्ट अटैक से होगी। नाइन्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन अगर होगा तो ऐसे व्यक्ति की मौत सदमे से या हार्ट अटैक से होगी। टेंथ हाउस के अंदर जाके ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अशुभ स्थिति में आ जाएगा। लिखा है बुरी मौत हादसे से होगी, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की मौत काफी ज्यादा बुरी देखने को मिलेगी, बुरी मौत होगी वो भी हादसे से, ये काफी ज्यादा अशुभ स्थिति है। मगर धन के संबंध में आपको शनि को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि दसवां किसका है, शनि का। शनि कुंडली में कहाँ बैठा है, कैसा बैठा है और किस कंडीशन में है, अगर ये कॉम्बिनेशन 10th हाउस में है तो सबसे पहले शनि को ठीक कर लेना है। 11th हाउस, अब 11th हाउस भी शनि का ही है, क्योंकि 10वें घर में मकर राशि और 11th हाउस में आपका कुंभ राशि। अब 11th हाउस किसका है, हमारा आय का, हमारी इच्छा पूर्ति का, तो आय जीवन में कितनी प्राप्त होगी, तो यहाँ पर 11th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो पूरी तरह से इसका फल शनि पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर 10th हाउस में हो या 11th हाउस में हो, आपने करना क्या है, सबसे पहले सैटर्न को गुड कर लेना है, सैटर्न को चेक करना है और सैटर्न की वीडियो में जाके प्रॉपर समझ लेना है कि सैटर्न कैसे ठीक होगा। तो यहाँ पर धन का फैसला शनिचर की हालत पे होगा। वहमी लालची, ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा वहमी स्वभाव का होगा और लालची होगा। 12th हाउस, अब 12th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो 12th हाउस किसका है, बृहस्पति का। तो अपने मित्र घर है बृहस्पति के घर में जब ये कॉम्बिनेशन होगा बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। व्यक्ति मंगल 12th हाउस की रेमेडी करके अपने मंगल को शुभ रखे, तो यहाँ पर साथ ही बृहस्पति 12th हाउस की प्रिकॉशन रेमेडी को फॉलो करके बृहस्पति को गुड रखे तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल देगा, धन दौलत हर चीज के सुखों की प्राप्ति ये कराएगा। तो आज हमने बात करी चंद्र और मंगल के कॉम्बिनेशन के बारे में। अब चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर जनरली हमें ये पता था कि बहुत शुभ फल देता है, लक्ष्मी योग है, मगर आज आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि किस कंडीशन में ये अशुभ फल भी दे सकता है और किस तरह से इसके अशुभ फलों से बचा जा सकता है, क्या रेमेडी और क्या प्रिकॉशन करनी है, तो उसको किस तरह से कुंडली को चेक करना है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चंद्र और बुध के कॉम्बिनेशन के बारे में, क्योंकि चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा खराब फल देता है मगर कुछ कंडीशन में शुभ फल भी देता है। तो यहाँ पर चंद्रमा और बुध आपस में शत्रु हैं, ये कॉम्बिनेशन बना होगा तो किस तरह के, क्योंकि यहाँ पर ऐसा व्यक्ति इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि वो सुसाइड करने के बारे में सोचता है या सुसाइड करता है, तो यहाँ पर किस कंडीशन में ये कंडीशन देखने को मिलेगी इसके बारे में चर्चा करेंगे और कैसे इस अशुभ कंडीशन से बचा जा सकता है उसकी बात करेंगे, रेमेडीज कौन सी करनी है उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।